हेलो डेयरीज, वेलकम टू डेज डेली केसी। आज बनाएंगे लच्छा नमकीन। इसे कुछ ऐसा बनाएंगे कि आप व्रत के दिनों में भी खा पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। क्रिस्प लच्छा नमकीन की रेसिपी को बनाने के लिए आप मेरे वीडियो को एंड तक देखिए। 5 मीडियम साइज के पोटैटोज ले लिए हैं। इसे हम सबसे पहले पील कर लेंगे। पील करते ही हमें इसे पानी में रख देना है जिससे इसका कलर खराब ना हो। सारे पोटैटोज को ऐसे पील करेंगे और पानी में डिप कर देंगे। पील किए हुए पोटैटो को अब हमें ग्रेट करना है। ग्रेटर का आप देखेंगे ये मोटा वाला साइड है, बाकी सब पतले हैं, तो जो सबसे मोटा वाला हो उससे ग्रेट करना है थोड़ा सा प्रेशर लगाते हुए। आप देखेंगे ये सुंदर ग्रेट हो गया है आलू। अब जो है हमें इसे पानी में डाल देना है जिससे इसका कलर खराब ना हो। इसी तरह हमें सारे पोटैटो उसको ग्रेट करना है और पानी में डाल देना है। आप देख सकते हैं अच्छे से पोटैटो ग्रेट हो गया है। अब हमें इसे 2-3 पानी से धोना है। धोने से पहले हमें इसे ऐसे हाथों से अच्छे से प्रेस कर देना है जिससे सारा पानी स्क्वीज हो जाए। 2-3 पानी से हमें इसलिए धोना है कि जितना एक्स्ट्रा स्टार्च है वो सब निकल जाए। तीन पानी से वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं अब एकदम पानी क्लियर है, इसमें कोई वाइट स्टार्च नहीं दिख रहा है। अब फिर से हम इसे स्क्वीज करेंगे, जितना हो सकता है पानी निकाल देंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। आलू के लच्छे को अच्छे से स्क्वीज तो कर लिया है लेकिन इसके बावजूद इसमें काफ़ी पानी रह जाता है, इसीलिए हमें इसे टॉवल से पोंछना होगा। एक टॉवल में हम इसे डाल देंगे और थोड़ा सा दबाते हुए ऐसे पोंछ लेंगे जिससे आलू का एक्स्ट्रा पानी सब सूख जाए। एक्स्ट्रा पानी सूख जाने की वजह से ही ये बहुत क्रिस्प बनेंगे। कढ़ाई में हमने ऑयल गरम किया है, बहुत हल्का गरम है। इसे में हमें फ्राई करना है मूंगफली को। 1/2 कप मूंगफली ले ली है। इस मूंगफली को हम फ्राई कर लेंगे। धीमी आंच में फ्राई करने पर सबसे अच्छा फ्राई होता है। ऐसे फ्राई करेंगे, उठा लेंगे, फिर से डालेंगे। इस तरह करके हमें मूंगफली को फ्राई करना है। धीमी आंच में फ्राई होते होते मूंगफली अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसका कलर चेंज हो गया है, चटकने लगी है, इसका मतलब है अब और नहीं फ्राई करना है मूंगफली को। 1 मिनट तक रोकेंगे ऐसे, ऑयल एक्स्ट्रा निकल जाए, उसके बाद हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। अब हमें गैस का फ्लेम हाई कर देना है क्योंकि पोटैटोस को हमें हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। पोटैटोज़ को अच्छी तरह पोंछ लिया है, देखिए सारा एक्स्ट्रा पानी जो है इसमें से निकल गया है। अब हम इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, हम चेक कर लेंगे। थोड़ा सा हम लच्छा डालेंगे आलू का, देखिए तुरंत ऊपर आ रहा है, बस ऐसा ही ऑयल हमें चाहिए। अब आलू के लच्छों को हम डालेंगे फ्राई होने के लिए। बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, हाई फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं हम। कलर चेंज होने तक हमें फ्राई करना है।
बीच बीच में हिलाते जाना है। आलू गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। ऑयल झड़ने के लिए हम 1 मिनट रोक कर रखेंगे। फिर एक प्लेट में निकाल लेंगे। ठीक ऐसे ही हम बाकी के लच्छों को भी फ्राई कर लेंगे। तीन से चार मिनट लगते हैं इस तरह एक लॉट लच्छे निकालने में। आलू के लच्छे खूब अच्छे से फ्राई हो गए हैं, एकदम क्रिस्प हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए पीनट्स को। सीधा नमक ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर। अब अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर देंगे। मैं दिखाती हूं कितने क्रिस्प बने हैं ये, आप आवाज सुनकर ही पता लगा लेंगे। लच्छा नमकीन को प्लेट में सर्व कर देंगे। ऊपर से थोड़ी पीनट्स डाल देंगे। रेडी है लच्छा नमकीन खाने के लिए। लच्छा नमकीन को आप भी बनाकर खाइए, बहुत अच्छा सा टी टाइम स्नैक्स है। व्रत के दिनों में तो बहुत मजा आता है। अगर आप व्रत में नहीं खा रहे हैं तो इसमें आप चाट मसाला ऐड कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।